जुहार मुई बेणु आपण देखुछन नुआखे एक्सप्रेस खबर मूलकर्मा हेडलाइंस नु। रायचे बिगड़ीवाके लागिछे आईन श्रृंखला परिस्थिति, महिला माने नाइन सुरक्षित, बीजेडी शासन के भांगी राष्ट्रपति शासन जारी हेउ। एसआईसीसी संपादक भक्त दास कर दाबी कहले ममिता हत्या मामला ने कैप्टेन के सुरक्षा देउछे ऊपर महिला। बीजेडी कर्मींकर दादागिरी घटना, प्रतिवाद ने बीजेपी आरु कांग्रेस रो 12 घंटिया कुचिंडा बंद पालन। सियाड़े मंत्री टुकनी सांकर कार्यक्रम के विरोध, मंत्री थिबार गेस्ट हाउस घेरले विरोधी। कुचिंडा ने बीजेपी धारणा स्थल ने बीजेडी कर्मींकर उत्पात, चुपचाप हेकरी देखला पुलिस। बीजेडी कर्मींकर बदले बीजेपी कर्मी के जेल, लुके कहले इटा पुलिस रो केन प्रकार काम। जमी चिन्हट दाबी ने तहसील ऑफिस घेरले जमी पट्टाधारी। 2012 मसीहा नु आदिवासी के पट्टा खणे देकरी राज्य सरकार चुप, 10 बरस पर भी जमी चिन्हट नाही हेतिबार अभियोग। सार हमके टिके पढ़े देउन, गणशिक्षा मंत्री के पाठ पढ़ावा के अनुरोध कले छात्री। समलपुर लेडी लुइस स्कूल परिदर्शन बेले छात्री अनुरोध, मुंह मुड़िकरी पलाले मंत्री, कहले जनुचे दीपावली शुभकामना। दीपावली उतारू खुली पारे षष्ठ आरु सप्तम श्रेणी, राज्य स्कूल खुलवा के नहीं करी मंत्री समीर दास कर प्रतिक्रिया। षष्ठ आरु सप्तम श्रेणी खुलवा उपरे विचार करा दुतिबा मंत्री कर सूचना, नुआ बरस आरंभ बेल के खुली पारे सबु क्लास। आरु रात पाले दीपावली बाजार ने फटकरा गायब, नाई खुली होलसेल की खुचरा दुकान। कटकणा के नहीं करी द्वंद्व ने व्यवसायी इतर खाली सबुज फटका के मिली अनुमति। आसमा पूरा खबर के, समलपुर ने कनेस्टेबल कर दबंगिरी, आईनजीवी के माड़ मारी करी बंदा हेले कनेस्टेबल। समलपुर धमा थाना अंतर्गत धमरा मटपालीर आईनजीवी अभिनव बेहरा घर पाखे रहसन कनेस्टेबल जलंधर बारिक। केनसी कथा के नहीं करी जलंधर अभिनव कर उपरे आक्रमण करथिले, इने करी अभिनव धनुपाली थाना ने अभियोग करथिले। तांकर अभियोग आधार ने जलंधर की गिरफ्त करी कोर्ट चालान करिछे पुलिस। अभियुक्त कनेस्टेबल जनकर धमार थाना ने काम करसन। तेबे जने आईनजीवी के पिटी करी बंधा हेछन कनेस्टेबल, समलपुर ने एंता घटना देखवा के मिलीछे। जेन धमापाली थाना अंतर्गत भतरा मटपालीर आईनजीवी अभिनव बेहरा के पिटीछन जने कनेस्टेबल, केनसी कथा के नहीं करी अभिनव के ऊपर आक्रमण करथिले कनेस्टेबल जनकर, इने करी अभिनव धनुपाली थाना ने अभियोग करथिले। तांकर अभियोग आधार ने जलधर के गिरफ्त करी कोर्ट चालान करिछे पुलिस। ममिता मेहर मर्डर मामला, कलाहांडी ने साधारण सभा ने मंत्री दिव्यशंकर मिश्रंकर उपरे बरसिले वरिष्ठ कांग्रेस नेता भक्त दास। गृहराष्ट्र मंत्री संगे तृतीय महलार बड़बड़ लोकंकर ममिता हत्या घटना ने सामिल अछन, सेतिर लागी ममिता के मंत्री के घन घड़ जाउछे बोली अभियोग करिछन भक्त दास। मंत्री कर तीन सहयोगीकर फोन कॉल डिटेल्स जांच करबा के दाबी करिछन। आयबार सप्ताह ने कलाहांडी ने हेबा कि थिबा मुख्यमंत्री कार्यक्रम के जिला कांग्रेस जोरदार विरोध करबा, ममिता के न्याय दाबी ने आज नु जिलाव्यापी आंदोलन करा दउछि बोली कहिछन भक्त दास। जो राज्यर शासन रे मुख्यमंत्री नवीन बाबू अछंती एवं गोटे दोषी को अपराधी को जनसाधारण अधिकार एवं तांकर डिमांड अनुजाई तांको विरुद्ध कार्यानुष्ठान करिवा परबते तांको संपूर्ण भाव में प्रशासनिक ताकत देकरी तांको कवरअप करुछंती। तार अर्थ हला संपूर्ण मुख्यमंत्री कार्यालय एठी संश्लिष्ट एवं अपराधी मानकर शासन चली, तेणु सरकार बरखास्त होवार आवश्यक अछि। माननीय मुख्यमंत्री तुरंत इस्तफा करंतु, नहले राष्ट्रपति शासन जारी हो। आंदोलनकारी के उठे नेला पुलिस, कुचिंडा ने बीजेडी गुंडागर्दी घटना के प्रतिवाद करी आंदोलन करथुबा बेलके आंदोलनकारी के उठे नेछे पुलिस। बीजेपी आरु कांग्रेस कर्मी माने आक्रमण प्रतिवाद ने आज 12 घंटिया कुचिंडा बंद डाकरा देथिले। सकाल 6टा नु बेलबुडा 6टा तक बंद डाकरा देथिले बीजेपी आर कांग्रेस।
इतार संगे कुचिंडाने मंत्री टुकनी सांकर कार्यक्रम के विरोध करी मंत्री थिबा गेस्ट हाउस सामने धारणा देथिले बीजेपी और कांग्रेस कर्मी इ समयती बीजेडी कर्मी माने आसी बीजेपी कांग्रेस कर्मी संगे झगड़ा करवा संगे से मानकर संगे धस्ताधस्ती होते पाखे उपस्थित थिबा पुलिस बीजेडी कर्मी प्रतिवाद करवा बदले धारणा ने बसी थिबा बीजेपी और कांग्रेस कर्मी के उठे नेछे। प्रशासन जो शांतिपूर्ण आंदोलन करंदी गिरफ्त कर देखो किप पुलिस प्रशासन से विजु जनता दल रात बारसी सारी बीजेडी कर्मी गुंडागर्दी घटना बीजेपी और कांग्रेस कर्मी के आक्रमण प्रतिवाद ने आज 12 घंटा कुचिंडा बंद सकाल 6 संध्या 6 तक बंद डाकरा देछे बीजेपी कांग्रेस बंद लागिर दुकान बाजार गाड़ी मोटर सरकारी बेसरकारी कार्यालय सब बंद रही। मंगलवार मुख्यमंत्री नवीन पटनायक गस्त बेल के विरोध कला पताका प्रदर्शन करथिबानु बीजेडी कर्मी माने आक्रमण करथिले सरकारी कार्यक्रम ने बीजेडी कर्मी जिला बाहर आसीथिले पुलिस उपस्थित ने बीजेपी कर्मी पीआर कांग्रेस कर्मी के माड़ मारी लहुलुहान भी करथिले घटना ने संप्रुक बीजेडी कर्मी उपरे कार्यनुष्ठान दाबी ने बंद पालन करा जाउछि। सेडे मंत्री टुकनु सांग के घेरीछै बीजेपी आरु कांग्रेस मंत्री कुचिंडा गस्त कार्यक्रम के विरोध करिछन बीजेपी आरु कांग्रेस कर्मी आंदोलन ने बीजेपी राज्य साधारण संपादक रवि नारायण नायक पूर्वतन विधायक वृंदावन माझी पूर्वतन विधायक राजेन्द्र छत्रियांकर समेत शताधिक बीजेपी आरु कांग्रेस कर्मी सामिल होते कलाकाल कुचिंडा के आसीले मुख्यमंत्री नवीन पटनायक आर आसवार भितरे भिन भिन नूतन प्रकल्प मानक भित्तिपथ स्थापन सागे होवार प्रकल्प के शिलान्यास भी करछन आर स्मार्ट कार्ड बंटन भी करछन कि बंटन करला भितरे गला काल जेन प्रकार अंचल ने घटना घटला बीजेपी कर्मी आर कांग्रेस कर्मी के बीजेडी कर्मी माने गुड़े गुड़े किना किंता आक्रमण कले जहाद्वारा गुरुतर भावे आज मेडिकाल चिकित्सा भी हो ये घटना नहीं सारा अंचल बेस सरगरम रही बेले ये घटना के कुचिंडावासी घोर निंदा बिल कर जहाँके नहीं आज का कुचिंडा बंद डाकरा देचे कांग्रेस आर बीजेपी आर इतार भितरे भी कांग्रेस बीजेपी सकाल आसिक पिकेटिंग करवार सागे दुकान बजार भी बंद रही है रास्ता घाट सुनसान रहा सागे पिकेटिंग करना ऑफिस मानक भी बंद कराई आर इतार भितरे भी कुचिंडा के आई मंत्री टुकुनी साहू के विरोध भी कराइले बीजेपी आड़ सामनाने धारणार्थी बसीचन आर धारणार्थी बसला भितर बीजेडी कि कर्मकर्ता मान आई आर नाराबाजी कला भितर पुलिस से मानके बीजेपी कर्मी मानके थाना के उठाई आनचे आम सीधा साल जिमा जोड़ी हमा बीजेपी नेता आर कांग्रेस नेता मान संगे आर इ बाबत ने आलोचना भी करमा घटना काना थी जितेबाला से प्रोटेस्ट करुते गला काल बंद डाकरा भी देते आज क्या है से पुलिस थाना के उठाई आम सागे जोड़ी अच्छे कुचिंडार पूर्वतन विधायक राजेन्द्र छत्रिया कांग्रेस वरिष्ठ नेता अच्छा जी आलोचना कर आज क्या है घटना जहाद्वारा कि आपन मैंने आज इन थाना के आना है क्या कह कालीर घटना जेनता घटला दादागिरी और गुंडाराज करी जेन तोड़ीदे कांग्रेस कर्मी एवं बीजेपी कर्मी बेले का तोड़ीदे मार भी मारीछन एवं तार विरोध में जनसाधारण भी आंदोलन गोटे आंदोलन सृष्टि ताकि जेनटा कि आज कांग्रेस एवं बीजेडी दल आगे नहीं सम्मुखी आनीछन एवं समग्र कुचिंडा अंचल बंद भी होती आज से बंद भितर जेन डाकरा दिया तार भितर टुकनी साहू मंत्री तर जेन कार्यक्रम अच्छे कार बंटा कार्यक्रम सेटा के चलावार लगी से चिंता करुले से तीव्र विरोध कलु एवं तीव्र विरोध कला समय जितेबले आम से अनशन बसी पूर्वतन विधायक मैंने बसी विभिन्न समस्त कर्मी बसी से समय से मैंने गोटे गंडगोल सृष्टि कले जोटा कि जेनटा कि जानिकी गोटे या गंडगोल सृष्टि है मैंने आमको एरेस्ट करा जीवा।
जानी गंडगोल सृष्टि करथवार पूर्वतन विधायक अभियोग आनीछन तार भितरे पुलिस समस्त बीजेपी कर्मी मान के उठे आई थाना भितर के आर सीधा सलख जीवा युवक कर्मी अच्छा ताकर जीवा आलोचना करमा आज्ञा काणा कहबे गत गला काल जेन प्रकार घटना घटला बीजेपी कर्मी के आक्रमण होती है कांग्रेस कर्मी के आक्रमण होती है भी गुरुतर भाव मेडिकल चिकित्सा होचन आर घटना के नहीं आपन केते काणा प्रतिक्रिया रखबे ताके नहीं सर्वप्रथम कथा है कुचिंडा निर्वाचन मंडली आदिवासी निर्वाचन मंडली है इनर बहुत आदिवासी माने हमर भाई यार कालीर घटना और फ्लैग मार्च के आम पहला निंदा करचू आज शांतिपूर्ण मात्रा रे टुकनी साहू को विरोध करा होतला आमर आदिवासी लड़ुआ नेता श्रीमान रवि नायक महोदय साए आम माने बसी दिलु शांतिपूर्ण मात्रा रे धारणा दिया होतला किंतु कहार इंस्ट्रक्शन रे बीजेडी रो गुंडा माने कि नेता माने कथा कथित नेता माने से जगह के जाईकिना गोटे परिस्थिति एमती सृष्टि कले जे पुलिस जानी सुनी किना आमको आनी किना थाना रे डिटेक्ट करी किना रो आसमा अलगा खबर के दीपावली उतारू खुलवा षष्ठ आरु सप्तम श्रेणी राज्य स्कूल खुलवा नहीं करी मंत्री समीर दास कर प्रतिक्रिया प्रजाकर्मे खुलवा स्कूल प्रथम पर्यायर षष्ठ आरु सप्तम श्रेणी खुलवा उपरे विचार कराउथवा कहिछन मंत्री तार उतारू प्रथम नु पंचम श्रेणी खुलवा उपरे विचार करा जिबा नुआ बरस पिले सबु क्लास खुली सारिथिबा बोली मंत्री आशावादी करैछन कोरोना तृतीय लहर धीरे धीरे कम्बाके लागिछे हेतिर लागि नुआ बरस आरंभ ने प्रथम नु पंचम श्रेणी पर्यंत स्कूल खुलवा नै करी आलोचना करा जिबा पंचायत क्रमे खोलिबा पई जाउछु आमे मुँह एक फेर पर संपर्क में आम निष्पत्ति नबु आम निश्चित भाव में प्रथम पर्यायर आम छत आम आठ तो अलरेडी खोल सरी जाइए तेना प्रथम पर्यायर जे छः सात संपर्क में आम विचार करवापर एक रु पाँच परवर्त अवस्था विचार करवा एसओपी अलरेडी एसओपी अच्छी आपड़ जानते जो बाटे आठ रु बार बर्तमान खोली क्लास चली সেই এসওপি রে বর্তমানে আমি ছ সাত খোলিবা সম্পর্কে চিন্তা করি সেটা টিকি সময় লাগবে আগে ছ সাত খোলি সারা পরে আপনি জাঁচান এক ক্লাস পিলা দুই ক্লাস পিলা মানুষ সোশিয়াল ডিস্টান্স কথা কহার কিছু মানে না তেমন আমি অলরেডি তো করোনার তৃতীয় লহর নিশ্চিন্ত ভাবে কমি বা আরম্ভ হয়েছি বর্তমান সুদ্ধা তেমন আমি প্রথম পর্যায়ে বিচার করছু চিন্তা করছু ছ সাত সম্পর্কে मंत्री के पाठ पढ़ावा के अनुरोध कले छात्री मुँह मुलेकरी चली गले मंत्री समलपुर सर लेडी लुई स्कूल स्मार्ट स्कूल ने परिणत होउथिबार शिक्षामंत्री समीर दास परिदर्शन जाइथिले हेने मंत्री छात्री मान के काणा पचरा बोली पचरैथिले सेतकी बेले जने छात्री मंत्री कहिथिले सर आमके टिके पाठ पढ़े देउन हेले छात्री कर अनुरोध के नाइ सुनले शिक्षामंत्री दीपावली शुभकामना कहिकना चली जाइथिले ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କାଁ ପଢ଼ୁଛ ପହିଲା ପଚାରିଲେ ବୋଲେ ଆମେ କହିଲୁ କି ମ୍ୟାଥ୍ ପଢ଼ୁଛୁ ସାର୍ କହିଲୁ ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ତଲେ ବସିଥିଲୁ ବୋଲେ ଦେଖିଲେ ଆଉ କହିଲେ କି ତମେ ତଲେ ବସିଛ ଯେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେବାର ତମକୁ କହିଲେ ବୋଲେ ଆମେ କହିଲୁ କି ସାର୍ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଏବେ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ର ଅଧା କାମ ଚାଲିଛେ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ତଲେ ବସିଛୁ ଆଉ ଆମକୁ ବେଞ୍ଚ ଟେବୁଲ୍ ବି ମିଳିବା ଆଉ ମୁଇଁ କହିଲି କି ସାର୍ଙ୍କୁ ସେ ପଚାରିଲେ କି ଆଉ କିଛି ଚାହୁଁଛ କି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛ କି କହିଲେ ବୋଲେ ମୁଇଁ କହିଲି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କନୁ ଟିକେ ପଢ଼ା କିଛି ପଢ଼ିଦେଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥାନ୍ତା କହିଲି ଲେକିନ୍ ତାଙ୍କର ପାଖେ ଏତିକି ଟାଇମ୍ ନା ଥାଏ କି ଆମକୁ ସେ ପଢ଼େଇ ପାରିଥିତେ ସେଥିଲାଗି ସେ ଚାଲିଗଲେ ଆଗକେ ଖବର ଦେଖମା ଏବେ ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ ନେମା ବ୍ରେକ୍ ଉତାରୁ ସ୍ୱାଗତ ଜମି ଚିହ୍ନଟ ଦାବି ନେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୀରମରାଜପୁର ତହସିଲ ଘେରିଲେ ଜମି ପଟ୍ଟାଧାରୀ 2012 ଆଦିବାସୀଙ୍କେ ଖାଲି ଜମି ଖଣ୍ଡେ ଦେଇକରି ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ ସରକାର ଘଟଣାକେ 10 ବରଷ ଭିଜି ଯାଇଥିଲେ ବି ଏବେ ତକ୍ ଜମି ଚିହ୍ନଟ ନେଇପାରି ଯେନ୍ଥିର୍ ଲାଗି ଗରିବ ଆଦିବାସୀମାନେ ସରକାର ଦେଉଥିବା ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ ଗୁହାରୀ କଲେ ବି କିହେ ନାହିଁ ଶୁଣବାର ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଏନେକରି ଆଜି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ସାଙ୍ଗେ ଧାରଣା ବି ଦିଆଯାଇଛି ଜମି ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନାଇଁ ମିଲ୍ବା ତକ୍ ଧାରଣା ନାଇଁ ହଟେ ବୋଲି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନମାନଙ୍କୁ ଯେନ୍ ଆର୍ଆଇ ତହସିଲଦାର ଯେନ୍ ଠକୁଛନ୍ ତାଙ୍କୁ ପଟା ଦିଆହେଇଛେ ତାଙ୍କର ହକ୍ ଦିଆହେଇଛେ ଆଜି କାଲି ପରଦିନ ବୋଲିକରି 2012 2010
ସେମାନେ ପଟା ପାର୍ଥ ପାଇଛନ୍ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଜମିକି ଯେ ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍, ତାଙ୍କର ଘର କେନ୍ଦା ନାଇଁ ଆଣି, ତାଙ୍କର ଜମି କେନ୍ଦା ନାଇଁ ଆଣି, କିନ୍ତୁ ପଟା ସେମାନେ ପାଇଛନ୍। ତ ସେଥିଲାଗି ବୋଲି ସେମାନେ ଆସିକରି ଆଜ୍ଞା ଆମର ପଟାରେ ଟିକେ ବାରି ଦେଉନ୍, ଆମର ଜାଗାରେ ଟିକେ ବାରି ଦେଉନ୍, ବାରି ଦେଲେ ଆମେ ଚାଷ କରିକିରି ଖାଇମୁ, ଆମେ ସେ ଘର ଟିକେ ବନାମୁ ହେଲେ ବୋଲିକିରି ନେହୁରା ହେଉଛନ୍। ଆସିକରି ଇମାନେ କହୁଛନ୍ ଆଜି ଯିମୁ କାଲକେ ଯିମୁ କହୁଛନ୍, ଯଦି ସେମାନେ ଯଦି ବାର ବାର ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ ଭାଗ ନିକଳ ପଲ ତୁମେ ଏକଲା ତୁମେ ଅଛ କେ, ଏଇ ଧରଣା ବିହେଭ୍ ସେମାନଙ୍କୁ କରୁଛନ୍। ତ ଆଜି ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦା ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ଏ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ମାନେ ଆଜି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଛନ୍ ଯେ ଯେତେ ଦିନ ତକ ତାଙ୍କର ଜମି ପଟା ବାଛି ନାଇଁ ଦେବେ, ବାରି ନାଇଁ ଦେବେ, ତାଙ୍କର ହକ୍ ତାଙ୍କୁ ନାଇଁ ଫେରାବେ, ଇନେ ଆମେ ହେତ୍କି ଦିନ ତକ ବସିଥିମୁ। କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ଦାବି ନା ଧାରଣା, 5 ବରଷ ପରେ ବି କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଦରମା ନେଇ ବଢ଼ବା, ଏବେ ମାତ୍ର 6,512 ଟଙ୍କା ନେ ପରିବାର ଚଲାବାଟା ମୁସ୍କିଲ ହେଉଛି। ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତି ଶିକ୍ଷକଙ୍କେ କେନ୍ସି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନାଇଁ ମିଳିବାର, ହେଥିଲାଗି ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ଦାବିନେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଧାରଣା ଦେଉଛନ୍। ଆଜି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଶାଖା ତରଫରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଉଛୁ ଯେ ସେ ଆମର ଦରମାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆମକୁ ଇନିସିଆଲ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଗତ 11 ତାରିଖରେ ସରକାର ଘୋଷିତ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆମକୁ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ନ ଶୁଣନ୍ତି ଆମ ଯଦି ଆମକୁ ଦାବି ନ ଶୁଣନ୍ତି ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରତର କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ। ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଏମ୍ପ୍ଲୋଇଜ୍ମାନଙ୍କୁ ଇନିସିଆଲ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆମର ଜୁନିୟର ଟିଚରମାନଙ୍କୁ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କରା ହିଁ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଆଜି କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆମର ସିଏମ୍ଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଆସିଛୁ, ଆଉ ଯଦି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏଥିପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆ ନଯାଇ ଆମକୁ ଯଦି ଜଷ୍ଟିସ୍ ନ ଦିଆଯାଏ ତ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଧାରଣା ଦେବୁ, ଆମ ଦାବି ରଖିବୁ ସେଠାରେ, ଆଉ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମକୁ ଏଥିରେ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କରାଯାଉ, ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଉ। ଆଜି T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ନେ ଭାରତ ଆରୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ମୁକାବିଲା, ଗ୍ରୁପ୍ 2ର ଏ ମ୍ୟାଚ୍ ନେ ଭାରତ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେମିଫାଇନାଲ ଆଶା ହରିଥିବା ବେଲ୍କେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଲାଷ୍ଟ ସୁଯୋଗ ହେଇଛି, ଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିକରି ଭାରତ ଗୋଟେ ନିଜର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରବାକେ ଯାଉଛି। ତେବେ ଏ ବାବଦ ନେ ଅତକା ଆଲୋଚନା ଲାଗି ଆମର ସଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ପ୍ରତିନିଧି ମଳୟ ଭୋଇ। ମଳୟ, ଦେଖମା ଯେତେବେଳେ ଭାରତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି 2ଟା ମ୍ୟାଚ୍ ହାରି ଯାଇଛି ପାକିସ୍ତାନ ଆଉ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡରୁ, ତେବେ ଇ ମ୍ୟାଚ୍କେ ଜିତିକରି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସମ୍ମାନର କଥା ବି ହୁଏତ ଆମେ କହିମା ଗଲେ ସେମିଫାଇନାଲ ଆଶା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମୌଲି ଯାଉଛେ, ତେବେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକେ ଇଟାକେ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ବି ଜିତିବାକେ ପଡ଼୍ବା, ତେବେ ଲୋକଙ୍କର କାଣା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହୁଛି? ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିତରେ ବି କ୍ରିକେଟ ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ଆଶା ମୌଲି ଗଲାଣ ପରି ଲାଗୁଛି। ମଳୟ, ହଁ ଦେଖନ୍ ବେନୁ, ଯେନ୍ ଆମେ ଗଲା ଯେନ୍ 2ଟା ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖ୍ଲୁ, ଇ 2 ମ୍ୟାଚ୍ର ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହାରିଥିଲା, ଆର୍ ଇ ମ୍ୟାଚ୍ର ଇହାଦେ ସମକର ଚିନ୍ତା ଅଛି ଯେ କେନ୍ତା କରି ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତି ପାର୍ବା କି ଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବି କାଣା ତାର ସ୍ଥିତି ରହିବା, ସେଟାକେ ନେଇକି ଇହାଦେ ସମକର ମନେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଆସିଛି। ଦେଖୁନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆଉ କିଛି ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଇଣ୍ଡିଆ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ଇହାଦେ ସମକର ମନେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ ଇଥର କେନ୍ତା କର୍ବା ଇଣ୍ଡିଆ କେନ୍ତା ଜିତ୍ବା। ଦେଖୁନ୍ ଆମର୍ ସାଙ୍ଗେ କିଛି କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ପଚାରମା କିଆ ବୋଲେଙ୍ଗେ ଆଜ ଇଣ୍ଡିଆ ଅର୍ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମେ ଦୋନୋକେ ମ୍ୟାଚ୍ ହେ। 3 मैच इंडिया को जीतना चाहिए, वी आर सपोर्टेड इंडिया। आप क्या बोलोगे? इंडिया भी 2 मैच हार चुके तो इंडिया को तीनों मैच जीतना पड़ेगा, उनका ओपनिंग जो है उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। वी सपोर्ट टीम इंडिया। वो जो दोनों मैच खेले थे उस मैच में कुछ त्रुटि था कि जिसलिए वो दोनों इंडिया दोनों बार ओपनर ने साथ नहीं दिया था और पीछे में बॉलर्स भी अच्छा कर रहे थे लेकिन ओपनर ने साथ नहीं दिया था बिल्कुल, इसलिए मैच शायद हार गया। इस बार में क्या करना चाहिए जो जीतेगा इंडिया? इस बार में मतलब ओपनर को स्ट्रांग रहना चाहिए, बॉलर स्ट्रांग रहना चाहिए, विकेट लेना चाहिए और ये मतलब बैटिंग स्ट्रांग रखना चाहिए, मतलब जैसे कि विराट कोहली, रोहित शर्मा ये लोग को मानना चाहिए, इसी वजह से टीम जीतेगा और ये होगा। कहाँ लगुच इंडिया कैंता स्थिति रहा इतर जितने गोटा 2टा मैच तो हारला नर कहाँ रही पारे? देखिए इंडिया तो 2 मैच जैसे भी खराब हुआ हम लोग का, अभी हम लोग को 3 मैच जैसे भी करके जीतना है, और अगर न्यूजीलैंड अगर 1 मैच उसका ख़राब होता है तो हमारा तो चांस बनता है जीतने का। एज ए इंडियन सपोर्टर इंडिया डेफिनेटली हम लोग चाहेंगे कि इंडिया जीते, तो हिप हिप हुर्रे इंडिया जीतेगा। किसका देखेंगे वो पीछे किसके त्रुटि में ये इंडिया हार निकल गया था? जीतेगा। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं पाकिस्तान और हम लोग का न्यूजीलैंड के साथ इंडिया मैच हारा, तो
हम लोग का सबसे पहला गलती था कि ओपनर्स रन नहीं बनाए पाकिस्तान की टीम के खिलाफ और बॉलर्स का सपोर्ट नहीं मिला। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी ये सब बहुत अच्छे बॉलर हैं, दे कैन डू इट, बट उनको भी थोड़ा मतलब अपना बेस्ट देना पड़ेगा और दो मैच हम लोग को जीतना पड़ेगा। इंडिया को पहले फोकस करना चाहिए कि दो मैच जीते और तीसरा मैच वो ट्राई करके अच्छे रन रेट से जीतने के लिए। नेट रन रेट से अगर अच्छा टीम इंडिया का जीता है लास्ट खेल प्रेमिंग कर भीतर भी गोटे उत्साह अच्छे काणा होचे आजर मैच पे जते बेले दीदीटा मैच भारत हारी सारी छे आ ई मैच ऊपर समस्त नजर भी रही छे जते बेले आ गोट प्रकार देखमा अफगानिस्तान प्लेयर के आमे कम नहीं भाबू जते बेले प्राय खेलाली आईपीएल रे खेलुचन तो ई मैच ऊपर सबको नजर रहबा आउ दुईटा मैच आके अच्छे तेज ई मैच निहाती भाव में भारत लगे बहुत गुरुत्वपूर्ण। बहुत बहुत धन्यवाद मलय जी कि आम समल प्रतिनिधि आमके अतका सूचना दूसरे आसमा अलग खबर कि बलांगीर पटनागढ़ ने अबकारी विभाग चढ़ाऊ बोली पीपुल परिमाण ने देशी मद जबत हो पटनागढ़ ब्लक अधरा दादर गाँव ने अबकारी टीम चढ़ाऊ करी 50 लिटर देशी मद जबत कर घटना ने पुलिस दुई जन के गिरफ कर कोर्ट चालाण कर बलांगीर जिला भुगमुणा ने लुट शिक्षकों घर लक्षाधिक टंकार सुनागहना सागे 10,000 टंका लुटी नहीं शिक्षक लोकनाथ मेहन घर राति ने दुर्बृत्त सिंधि चोरी कर सबु सुनागहना लुटी नहीं शिक्षक जनकन आज सका घर चोरी होता जानवा पर थाना ने अतला देते बंगमुड़ा पुलिस घटनास्थल ने पहुंचीक तदन आरंभ कर आयबार काल्के दियाली हेले अलगा थर इथर एंता नाइन पूजार माहौल समलपुर ने देखवा कि मिलुचे खाली पूजार सामान आर घर जाघर जिनिस पसरा जिला ने फटका बिगवा के पूरा पूरी बंद करा जाई छे। इथर दियाली ने लेकर काण रही छे लोकंकर प्रतिक्रिया चालुन देखमा आयबार काल्के होछे दिवाली दिवाली लगी सबुआड़े चलचंचल परिवेश रही छे जाही देखबे दीप घिनबार लगी लोक मैंने आसुचन भिन भिन प्रकार घर साजा सजा जिनिस भी घिनबार लगी आसवार देखवा लगी मिलुचे ई बछर जदि कहमा बेले जेन संबलपुर कथा जदि कहमा संबलपुर जेन नुआ गाइडलाइन करा जाई छे पुलिस प्रशासन तरफ नु जेन फटका रही छे पूरा बिक्री बंद रही छे ई वर्ष गोलबजार मार्केट रो एटा सीधा सड़क चित्र आमे देखौछु गोलबजार ने गुटे भी फटकार स्टल देखवा लगी नै मिलबार जाही देखले खाली घर साजा सजा जिनिस तार संगे दिवाली रे जेन सबु जिनिस माने व्यवहार करायसी फुलमाल ही थाउ कि रंगोली काटवा लगी से सबु जिनिस ही थाउ से सबु जिनिस ही ने बिक्री करा जाउछे आउ लोक माने भी घिनबार लगी आसवाटा देखवा लगी मिलुछे जाही देखले फटका के पूरा पूरी भावे बारण कराइछे केनसी ने भी फटका ने बिक्री हेबार दुकाने जेन बिक्री होउछे पचामा आज्ञा ई वर्ष फटका के पूरा पूरी बंद कराइछे ई सबु जिनिस अपन बिकुछन रंगोली रे सब आइटम अच्छे फटका बिकुले सब बछर हेले ई बछर जदि देखमा बेले खाली साजो सजा जिनिस माने बिकुछन काणा केनता लोक आका अंते अच्छे माने सब वर्ष रो पिक्चर चलबा इतर जेना फटका फटौथले दिवाली आसले फटका फटावाटा ही मेन काम बाकी सेटा इतर नै है बार केनता लागु खराब तो लागु जाय का करमा कहुन कोरोना लागि बोली सब बंद करा है छे निहाति भावे फटका फटावा लगी ही दिवाली आसले से गोटे अलग प्रकार खुशीटे मिलसी छुआ नु बड़ तक समस्ते भिन्न भिन्न प्रकार फटका मैंने फुटे थीसन हेले ई बछर जदि देखमा जेन गाइडलाइन आसी छे जेन पुलिस प्रशासन तरफ नु हो कि जेन राज्य सरकार कथा भी जदि कहमा बेले भी जेन सबुआड़े पूरा फटका के ही पूरा बारण कराई छे केनसी दुकाने भी बिक्री करवाटा भी देखवा लगी नहीं मिलबार संबलपुरे भी ठीक हेन्ता जाही देखले खाली पूजा पाठ साजा सजा जिनिस माने मिलुछे हेले फटका देखवा लगी नहीं मिलबार हेति लगी टिके दुख लागुछे सबकु जदि देखमा बेले लोक बाग भी घिनबा लगी आसन पचे करी बुझमा इथर दिवाली लेखमा बेले फटका बिल्कुल बिक्री नहीं हबार खाली पूजा सामग्री केनता लागुछे ना गोटे कथा कहबारे गले जेनता तो आम गवर्नमेंट जेन गवर्नमेंट रूल हिसाब से तो मानवारे पड़वा आउ से मना भी कराई है फुटका नहीं फुटावे बोलिकना निजर सेफ्टी लगे आउ जेनटा भी लौजे बाकी रंगोली लगे भल जेनटा आम जेन मानवारे जाऊँचे जितक भी निजर सेफ्टी लगे जितक मानि पारे हेतक भल है भल बहुत खुश लगुचे और मानने जेनता भी गाइडलाइन सरकार जेनता भी गाइडलाइन हो मानिकना
ନିହାତି ଦେଖମା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କେ ଯଦି ଦେଖମା ବେଲେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଅଛେ, ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ବର୍ଷକେ ଥରେ ଆସିକି ଦିନ ମାନେ ଫଟକା ଫୁଟାବାର୍ ଲାଗି ଛୁଆନୁ ବୁଢ଼ା ତକ୍ ସମ୍କର ମନେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉତ୍ସାହ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ମିଲ୍ସି, ସେଟା ନାଇଁ ହେଇପାରେ, କେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ? ନାଇଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାରେ ଗଲେ ସେଟା ତ ଦୁଃଖ ଲାଗ୍ବା ଯେନ୍ତା କରି ହେଲେ, ବାକି ଗୋଟେ ବରଷକ ଥରେ ବାକି ସରକାରର ତ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ର ମାନିକିନା ଚଲ୍ବାରେ ପଡ଼୍ବା। ଆଉ ବେସିକାଲି ଆମର ଲୋକାଲ୍ ଗାଁ ଗହଲି ଏରିଆରେ କମ୍ ବେଶିକିନା ହେଇଯାଉଛେ, ଟାଉନସିପ୍ ଏରିଆ ମାନକେ ଟିକେ ଯେନ୍ତା କରିଲେ ସେଟା ବହୁତ ଫୋର୍ସରେ ବିଲ୍ କରସନ୍, ବହୁତ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ କରସନ୍। ଆଉ ହେନ୍ତି ନର୍ମାଲି କାଁ କର୍ମା, ହେନ୍ତି ତ କରୋନା ଆମର ଯେନ୍ତାକି ପଲେଇଛେ ବେମାରୀ, ତାର୍ ଲାଗି ତ ଆମକୁ ଟିକେ କିଛି ସତର୍କ ହିସାବରେ ରହିବାରେ ପଡ଼୍ବା, ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନିକିନା ଚଲ୍ବାରେ ପଡ଼୍ବା। ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଖୁସ୍ ଲାଗୁଛେ। ନିହାତି ଭାବେ ଯଦି ଦେଖମା ବେଲେ ଗାଁ ଗହଲି ମାନକେ ଆପଣ ଯେନ୍ତା କହିଲେ ମାନେ ଫଟେଇ ବି ଦଉଛନ୍, ବାକି ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆପଣ ମାର୍କେଟିଂ କରି ଆସିଲେ ବୋଧେ, କେତେ ଦେଖିଲେ କେଁ କେନେ ଫଟକା ବିକବାରଟା? ନାଇଁ ତ ଇନୁ ତ ଦିଶବାର ହିଁ ନାଇଁ, ଆଉ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଯେନୁ ବି ଦେଖୁଛୁ ବାକି ଅନ୍ୟ ସାମାନ ମାନେ ବିକ୍ରି ହେଉଛେ, ଫଟକାର ତ ଏନ୍ତା ଷ୍ଟଲ୍ ନାଇଁନ। ଆଉ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫଟକା ହିସାବରେ ବି ନାଇଁ ଆସି, ଅନ୍ୟ କିଛି କିଣିବାର ଲାଗି ଆଇଥିଲୁ। ଆଉ ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମନା ବିଲ୍ କରାହେଇଛେ ମାନେ ଷ୍ଟଲ୍ କେନ୍ତା ବସ୍ବା, ଆଉ ଠିକ୍ ହେ ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନିକିନା ଚଲ୍ବାର କଥା, ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛେ। ଏନ୍ତା କିଛି ନାଇଁ, ବରଷକ ଥରେ ନାଇଁ ବୋଲେ ମେନ୍ ହେଲା ଜୀବନଟା, ଜୀବନ ଯଦିବା ଠିକ୍ ରହୁଛେ ଆମର ଜୀବନ ଜିମା ବେଲେ ତ ଆର ବର୍ଷ ବି ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମାନିପାର୍ମା। ନିହାତି ଭାବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେନ୍ତା ଆମେ ନଉଥିଲା ଯେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବିଲକୁଲ ବି ଗୋଟେ ବି ଫଟକା ଦୋକାନ ଦେଖବାର ଲାଗି ନାଇଁ ମିଲ୍ବାର, ପୁରାପୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ସବୁ ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ମାନୁଛନ୍, ସବୁ ଜାଗାନେ ଖାଲି ପୂଜାପାଠ ସାମଗ୍ରୀ ବିକବାରଟା ଦେଖବାର ଲାଗି ମିଲୁଛେ। ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବି ଯେନ୍ ନଉଥିଲା, ବର୍ଷକେ ଥରେ ଯେହେତୁ ଦିୱାଲୀ ଆସି ସବକର ମନେ ଗୋଟେ ଖୁସି ଥିସି, ହେଲେ ପହଲା ଯେନ୍ତା ହିସାବରେ କହୁଥିଲେ ପହଲା ଯେନ୍ଟା ନିଜର ଭଲ ଲାଗି ହେସି ସେଟା ହିଁ ମାନବାର କଥା, ସେଥିଲାଗି ସମସ୍ତେ ଏଇଟାକେ ସମ୍ମାନ ଜନେଇଛନ୍, ଆଉ ସମସ୍ତେ ପୂଜାପାଠ ଜିନିଷ ଘିନି କରି ଯିବାରଟା ଦେଖବାର ଲାଗି ମିଲୁଛେ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅଜିତ କର ସାଙ୍ଗେ ଶୁଭଶ୍ରୀ ବାରିକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ତେବେ ଆଇବାର କାଲି ଦିୱାଲି, ଏଥିର୍ଲାଗି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମାହୋଲ ତ ହେନ୍ତା ନାଇଁନ। ତେବେ ଜଣାପଡ଼ୁଛେ କି ଯେତେବେଳେ ବାଣ୍ଡ କିଛି ମନା କରାଯାଇଛେ, ଦୋକାନ ବଜାରେ ନାଇଁ ବିକି ହେବା, ଟେକ୍ନିକରି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱନେ ବି ଅଛନ୍। ଯେତେବେଳେ ବେପାରୀମାନେ ଖାଲି ଗ୍ରୀନ୍ ବାଣ୍ଡ ବା ଆମେ କହୁଛୁ ସବୁଜ ବାଣ୍ଡକେ ବିକିବା ଲାଗି ଅନୁମତି ରହିଛେ, ତେବେ ବହୁ ଜାଗାରେ ଟେକ୍ନିକରି ରହିଛେ, ତେବେ ଲୋକଙ୍କର ଭିତରେ ବି ହେସେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖ୍ବାକେ ନେଇ ମିଲ୍ବା। ଯେତେବେଳେ ବାହାନକେ ଫୁଟାବାକେ ନେଇକରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଟକଣା ଲଗେଇଛନ୍, ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଅଲଗା ଜିନିଷ୍ମାନେ ବଜାରନେ ମିଳୁଛେ, ହେଲେ ବାହାନ କିଣିକରି ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଅଲଗା ବର୍ଷେ ରହିସି ଯେନ୍ ଦିୱାଲୀର ମାହୋଲ, ଇ ବର୍ଷେ ସେତ୍କି ଦେଖ୍ବାକେ ନେଇ ମିଲ୍ବା। କରୋନା କଟକଣା ଲାଗି ଲୋକଙ୍କର ଗହଲିକେ ସୁରକ୍ଷାକେ ଦେଖିକରି, ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷାକେ ଦେଖିକରି ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ ଆରୁ ଫଟକା ଫୁଟାବା ଉପରେ କଟକଣା ଲଗେଇଛନ୍। ତେବେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, କୋଭାକ୍ସିନ୍କୁ ମିଳିଛି WHO ଅନୁମତି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯାଇଥିବେ ଯେତେବେଳେ କରୋନା କଟକଣା ଲାଗି ରହିଛି, ଏ ସମୟରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି, ଏ ସମୟରେ WHO ଅନୁମତି ଦେଇଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବର ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ସମୟର, କୋଭାକ୍ସିନ୍କୁ WHO ଅନୁମତି ମିଳୁଛି, ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅନୁମତି ଦେଇଛି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, କୋଭାକ୍ସିନ୍କୁ WHO ଅନୁମତି ମିଳିଛି, ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି। ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଏଇଟା ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ୟବହାର ସୂଚୀରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି କୋଭାକ୍ସିନ୍କୁ। ତେବେ ଏହି ସମୟର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, କୋଭାକ୍ସିନ୍କୁ WHO ଅନୁମତି ମିଳୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବି ରହୁଥିଲା ଆଗରୁ, ଅନେକ ଗୁଡ଼େ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍କୁ ମିଳୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ କୋଭାକ୍ସିନ୍କୁ ମିଳିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଏହାକୁ WHO ଅନୁମତି ଦେଇଛି। ତେବେ ଭାରତ ସମେତ ବିଶ୍ୱରେ କରୋନାର ତୃତୀୟ ଲହର ଯେତେବେଳେ ଲାଗି ରହିଛି, ଆଉ ଏ ସମୟରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍କୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ, କିଭଳି କରାଯିବ, ତାକୁ ନେଇକରି ଏବେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖବର, ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ପାଇଁ କୋଭାକ୍ସିନ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି। ସମୟ ହେଇଛେ ନୂଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍କେ ଇନ ଶର୍ମା ଜୁହାର।